आज बड़े गमखार कश्मीरियों के निकलते हैं, जम्मू कश्मीर के निकलते हैं। आज एक साहब कहता है साहब 5 अगस्त 2019 से पहले की सियासत वापस अपोजिशन वापस होगा। उस दिन कहां थे जब अपोजिशन के लीडर थे पार्लियामेंट में, जहां ये रोक सकते थे वहां उस वक्त मोदी के साथ मिल गए। मोदी के साथ मिलकर आजाद साहब आप कश्मीरियों को बेवकूफ बनाना चाहते हो, जहां आप रोक सकते थे जब ये डिसीजन हो नहीं सकता था। उस दिन तो वो आंसू आपके लिए और आप आंसू उनके लिए बहाते थे और कश्मीरियों के आंसू किसी को नहीं दिखे। कितने अफसोस की बात है। और किस मुंह को लेकर आप जम्मू कश्मीर आओगे और कहते हो मैं जम्मू कश्मीर की सियासत करूंगा। जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं है, उन्हें मालूम है किसके साथ हाथ मिला के आ रहे हो, किसके साथ आपने किस वक्त हाथ मिलाया और जम्मू कश्मीर के लोगों की पीठ में छुरा घूंपा। वो दिन था जिस वक्त पार्लियामेंट में आजाद साहब अपोजिशन के लीडर के हिस्से से इसको रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? क्या सौदा था? ये इसी दिन का सौदा था ना जो आज खुल गया। 5 अगस्त के बाद देखिए 2 साल बाद 3 साल बाद आज पता लग रही है पीठ पीछे क्या सौदा किया था गुलाम नबी आजाद ने। आजाद साहब शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको बहुत इज्जत दी। जब आपको दिल्ली ने कहते हैं ना दूध में से मक्खी की तरह उठा दिया था, तब भी इन लोगों ने आपको बड़ी मदद की। लास्ट ईयर आप आए, हर जगह लोग आए सुनने के लिए। उनको क्या मालूम थी कि असल छुरा घूंपने वाले मोदी साहब नहीं आप थे। अगर आप उस वक्त मोदी साहब को पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं देते जहां आप अपोजिशन के लीडर थे, ये पास ही नहीं हो सकती थी। 370 आज भी होता और 370 खत्म करने में किसी का दिल वास्ता यार रोल है वो आजाद साहब का है, डायरेक्टली आजाद साहब का, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के वासी थे। जज्बाती तकरीरों से नहीं, वोट से वो रोक सकते थे उन्होंने, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट उस वक्त मोदी साहब के हक में लिया। और आज जब कांग्रेस पार्टी ने उनको चेहरा उनका असली चेहरा दिखाया हमें, तो हम देख रहे हैं अब वो कह रहे हैं मुझे जम्मू कश्मीर की याद आई। इतने बेवकूफ है हम लोग। और हमारे ये लीडर यहां फारूक साहब अभी कहते हैं शर्मिंदा हूं, आजाद साहब कांग्रेस से क्यों नहीं, फिर शाम को कहते हैं मैं उनका साथ दूंगा। फारूक साहब आप तो को हर एक का साथ देना पड़ेगा, क्यों? आप तो मजबूरी में फंसे हुए, आपको तो अदालतों में हाजिर होना पड़ता है। आप तो कहते हो कोई ना कोई शायद मुझे बचाएगा, लेकिन अगर बचाएगा तो अल्लाह बचाएगा, अल्लाह के बिना और कोई नहीं बचा सकता है।